नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सर्विस मार्केटिंग, फिर से मतलब सेकंड वीडियो है सर्विस मार्केटिंग की। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या मीनिंग होता है सर्विस मार्केटिंग का, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, जाके वीडियो देख लो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 7 P's होते हैं सर्विस मार्केटिंग के। जैसे मार्केटिंग के 4 P's होते हैं ना और 3 एडिशनल P's होते हैं 3, तो ऐसे सर्विस मार्केटिंग के भी कुछ 7 P's होते हैं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में वो 7 P's डिस्कस करने वाले हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं सर्विस मार्केटिंग में, कि मतलब सर्विस मार्केटिंग इतनी ईजी तो नहीं होती है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे आप अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो 7 P's डिस्कस करते हैं। तो भाई 4 P's तो आपने पहले से सुना होगा मार्केटिंग में, किसी भी मार्केटिंग में 4 P's तो होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये 4 P's तो होते हैं, लेकिन 3 एडिशनल P's होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, सर्विस मार्केटिंग में बेसिकली होते हैं। तो क्या होता है पहला पी होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है सर्विस मार्केटिंग है भाई? प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट होता है इंटेंजिबल, मतलब एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो सर्विस है जो कि इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, उसकी फिजिकल एविडेंस को फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो होता है प्रोडक्ट जो कि पेरिशेबल होता है। पेरिशेबल का मतलब अगर आपने उसी टाइम उस चीज़ को यूज़ नहीं किया तो वो मतलब उस टाइम के बाद नहीं यूज़ हो पाएगा। ऑलराइट, जैसे कि मान लो आप ट्यूशन गए, ट्यूशन में आपने अगर वो लेक्चर मिस कर दिया तो आपको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। आप उसको बाद में रिपीट देखोगे वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे आपको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी, वो पेरिशेबल है। अगर एक बार आपने उसको कंज्यूम नहीं किया तो वो नहीं मिल पाएगी आपको। तो ये पेरिशेबल होता है सर्विस इन नेचर। तो फर्स्ट ये प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये हेट्रोजीनियस होता है, जैसे कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, तो मेरा वे अलग होगा सर्विस प्रोवाइड करने का, मेरे कलीग्स का वे अलग होगा सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ये हेट्रोजीनियस होता है नेचर, ठीक है। और ये भी होता है इस चीज़ का मतलब प्रोडक्ट का मतलब कि जैसे कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है। ऑलराइट, जैसे कि मैं मान लो मैं किसी बहुत बड़े सलून का मैं बार्बर हूँ, मैं बाल काटता हूँ। ऑलराइट, तो मैं कस्टमर्स के हिसाब से अपनी सर्विस को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि अगर इस कस्टमर को ऐसे बाल कटवाने तो मैं ऐसे काट दूंगा, अगर दूसरे कस्टमर को वैसे बाल कटवाने तो मैं वैसे काट दूंगा। मैं एक ही तरीके के बाल काटने नहीं आते मेरे को, डिफरेंट तरीके के बाल काटने आते हैं, मतलब कस्टमर्स के हिसाब से मैं अपनी सर्विस को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट। सेकेंड आ गया आपका प्राइसिंग, कि सर्विस की प्राइसिंग क्या रखें भाई। किसी भी बिजनेस में आप अगर कुछ बेच रहे हो तो उसकी प्राइस तो कुछ ना कुछ तय करोगे भाई। अगर प्रोडक्ट की बात होती ना तो हम डिसाइड कर लेते कि हाँ भाई रॉ मटेरियल हमारा इतना लगा है, ये फलाना इतना लगा है, निका इतना लगा है, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्राइस तय कर लेंगे। सर्विस में क्या, सर्विस में भाई आप लेबर कॉस्ट देखोगे, ओवरहेड कॉस्ट देखोगे, ठीक है। इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी सर्विस का प्राइस डिसाइड करोगे। और ये नो डाउट कि बहुत ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना या टेंजिबल थिंग की प्राइस को डिसाइड करना। टेंजिबल थिंग दिख रही है भाई, उसको देख के आप भाई कस्टमर प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्विस ऐसी चीज़ें तो देख नहीं सकते हैं, उसके लिए आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, जो चीज़ नहीं है एक्चुअल में वो सर्विस है, उसके लिए प्राइस डिसाइड करना थोड़ा सा टफ होता है। उसमें कितनी लेबर लग रही है आपकी, कितनी ओवरहेड कॉस्ट लग रही है, उसको मिला के आप सर्विस की कॉस्ट डिसाइड करते हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे प्लेस, कि कहाँ पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सर्विस डिलीवरी इज कॉन्करेंट विद इट्स प्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड। ऑलराइट, कि मतलब प्रोडक्शन जैसे जैसे होता है वैसे ही वो सर्विस कंज्यूम होनी चाहिए, कॉन्करेंट होता है दोनों। ये नहीं होता कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ वो ट्रांसफर हो जाएगा कहीं पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि कहाँ पे आप अपनी सर्विस दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि बार बार आपने क्या मतलब हेयर कट का बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना, मतलब रिलेटेबल होना चाहिए एग्जांपल, एग्जांपल का मतलब यही है भाई, रिलेटेबल। तो जैसे मान लो हेयर कट कर रहे हो आप, हेयर कट ऐसी जगह पे करो ना जहाँ पे बंदे आए। आप किसी पतली गली में हेयर सैलून खोल के बैठ गए, कोई मतलब नहीं है भाई। रेस्टोरेंट अगर आप खोल रहे हो या किसी टूरल ट्रेविजन का बिजनेस खोल रहे हो तो आप ऐसी जगह पे खोलो ना जहाँ पे वो बंदे आए, वहाँ पे उस लायक बंदे हों जो उसमें आए, वो समझ रहे हो। तो सर्विस प्रोवाइडर को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, प्लेस, ठीक है। थर्ड हो गया प्लेस। फोर्थ हो गया प्रमोशन। अब प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब भाई सर्विस देखो, मान लो जैसे कि मैं बाल काट रहा हूँ, मेरे साथ 4 और लोग बाल काट रहे हैं, मेरे कंपेटिटर्स हैं वो 4 लोग। अब मैं कैसे बाल काट रहा हूँ वो डिपेंड करता है, तो मेरे को ऐसा प्रमोट करना है, जैसे बाल तो काट रहा हूँ, जैसे कि मैं एज अ मान लो आप कंज्यूमर हो, आपको बाल कटवाने हैं बाहर जाके, आपके घर के सामने 4 दुकानें हैं, अब किस में जाओगे, है ना। अगर किसी का प्रमोशन अच्छा होगा, किसी के ऑफर्स अच्छे होंगे,
या किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। रिलेशन कैसे अच्छा होगा, जब आप उसको उस चीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। प्रमोशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस चीज़ किस सलून में जा रहे हो अपने बाल कटवाने के लिए। आपके घर के सामने 4 सलून है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो दैट मीन्स कि मेरा प्रमोशन अच्छा है, मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन प्रमोशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मेरे को अपनी सर्विसेज के लिए, मेरे को अपने सलून के लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को प्रमोशन करनी पड़ेगी, तभी जाके कस्टमर्स मेरे सलून में आएंगे। एटलीस्ट ट्राई करने तो आएंगे, ट्राई करने के बाद भाई मैं उनको रिटेन कर सकता हूँ तो मैं उनको रिटेन करूँगा, ताकि वो छोड़ के ना जाए किसी और सलून में, मैं ऐसी क्वालिटी दूंगा उनको। ऑलराइट, तो इसलिए क्या माना जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो मतलब आइडेंटिकल सर्विस दे रहे हैं कि उनके जैसे और कंपेटिटर्स हैं, जैसे एयरलाइंस हो गई, बैंक एंड इंश्योरेंस हो गया, है ना, उनके जैसे बहुत सारे हैं मार्केट में ऑलरेडी, तो उनको अपने प्रोडक्ट को ऐसा, या प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, सर्विस को ऐसा प्रमोट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर्स उनके पास आए। ऑलराइट, तो ये तो 4 बेसिक पीस हो गए सर्विस मार्केटिंग के। अभी बाकी के क्या होते हैं, बाकी के 3 जो होते हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल का मतलब क्या है कि कौन वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। पीपल आर अ डिफाइनिंग फैक्टर इन अ सर्विस डिलीवरिंग प्रोसेस सिंस अ सर्विस इज इंस्पिरेबल फ्रॉम पर्सन प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, कि जो पर्सन उसको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस को, उस पर डिपेंड करती है कि वो कितनी क्वालिटी दे सकता है उस सर्विस में। ठीक है, अ रेस्टोरेंट इज नोन एज मच एज फॉर इट्स फूड एंड ऑल्सो फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाई इट्स स्टाफ। कि भाई किसी रेस्टोरेंट में जाते हो आप, उसको खाना तो देखते ही देखते हो, लेकिन उनके स्टाफ का क्या बिहेवियर है आपके उसके प्रति, ठीक है, आपके ऑर्डर लेने के प्रति, आपके फीडबैक के प्रति, उनका कितना पोलाइट बिहेवियर है वो भी देखते हो, वो सर्विस में काउंट होता है। ठीक है, वो टेंजिबल प्रोडक्ट तो आपका खाना हो गया, इनटेंजिबल प्रोडक्ट जो है उसकी सर्विसेज जो हैं होटल की, वो कैसी हैं। ऑलराइट, तो वो भी मैटर करती हैं। तो उस वो डिपेंड करता है कि स्टाफ कैसे हैं वहाँ के, पीपल कैसे हैं। ठीक है, पीपल पे आ गया, तो 5वां यहाँ पे पी होता है पीपल, कि पीपल पे डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी बुरी हो सकती है। 6th आ गया यहाँ पे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कि किस प्रोसेस से होकर वो सर्विस गुजर रही है। जैसे मान लो आपने एक सर्विस दे दी, आपका कोई स्टैंडर्ड सेट हो गया कि हाँ भाई इस स्टैंडर्ड की आपको सर्विस देनी है, आप सेम प्रोसेस रिपीट करके वो स्टैंडर्ड सेट करके कंज्यूमर को उस क्वालिटी की सर्विस दे सकते हो। जैसे कि क्या होता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रिप्ट डिसाइड होती है पहले से सर्विसेज के लिए, फ्रेजेस डिसाइड होते हैं, ऑलराइट, ब्लूप्रिंट डिसाइड होते हैं कि हाँ भाई इस स्टैंडर्ड की सर्विस तो हमें देनी ही देनी है। तो वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कहता है किस स्टैंडर्ड की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड अगर एक बार सेट हो गया तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी कितनी सर्विस अच्छी हो रही है, कितनी बुरी हो रही है। और लास्ट आ जाता है 7th पी, फिजिकल एविडेंस, कि कितनी फिजिकल एविडेंस है। मतलब ये चीज़ भाई है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप सर्विस तो दे रहे हो लेकिन किसी टेंजिबल थिंग के साथ अपनी सर्विस को दे रहे हो। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इनकॉर्पोरेट सर्टेन टेंजिबल एलिमेंट्स इनटू देयर ऑफरिंग्स। कि भाई वो सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन वो टेंजिबल थिंग्स के साथ दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई आपका ट्रैवल एजेंट है, मान लो आप ट्रैवल एजेंट से आप कुछ टिकट बुक करा रहे हो, तो ऐसे तो बोल नहीं देगा कि हाँ भाई आपकी टिकट हो गई, वो टेंजिबल थिंग देगा। टेंजिबल थिंग होगी पेपर टिकट, टिकट की हार्ड कॉपी, वो हो गई टेंजिबल थिंग कि हाँ भाई ये आपकी हो गई टिकट्स। वो आपका ट्रैवल एजेंट है, आपको सर्विस दे रहा है लेकिन वो टेंजिबल थिंग दे रहा है आपको साथ में, तो वो हो जाती है चीज़। जैसे हो गया इंटीरियर डिज़ाइन होता है रेस्टोरेंट का। किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो इंटीरियर कितना अच्छा होता है, जैसे मैं किसी अभी होटल में हूँ, यहाँ पे इंटीरियर कितना अच्छा है, यहाँ पीछे मिरर है, यहाँ पे ये फ्रेम है, तो ये क्या है, टेंजिबल थिंग्स है। लेकिन होटल क्या दे रहा है, मेरे को सर्विस दे रहा है, मैं कुछ घर लेके नहीं जा रहा, लेकिन ये स्टिल ये टेंजिबल थिंग्स है मेरे लिए, जो कि वो सर्विस को अच्छा बुरा बना सकते हैं या बुरा बना सकते हैं। और सलून वाला तो एग्जांपल दिया ही था कि सलून में जाते हो, वेटिंग एरिया में क्या होता है, न्यूज़पेपर रखे होते हैं, मैगजीन्स रखी होती हैं, सोफा लगे रहते हैं, वो सलून का टेंजिबल थिंग्स है जिसके बेसिस वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और तो ये तो होते हैं 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। अभी आ जाते हैं भाई हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है प्रॉब्लम्स इन सर्विस मार्केटिंग। कि क्या दिक्कत क्या आती है सर्विस मार्केटिंग में, इतना हार्ड क्यों है, कितना हवा क्यों बना रखा है सर्विस मार्केटिंग का। भाई एक्चुअल में है, ठीक है, अगर जो चीज़ प्रेजेंट नहीं करती है उस चीज़ को बेचना थोड़ा सा हार्ड होता है। फर्स्ट आ गया है, सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अभी किसी कंज्यूमर्स के पास जा रहे हो, बोल रहे हो हाँ भाई मेरी ये सर्विस है आप ये ले लो, LIC बेचने जा रहे हो, LIC बोल रहे हो सर ये LIC की सर्विस है ये आप ले लो, तो कंज्यूमर बोलेगा भाई करके दिखाओ क्या है। भाई डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे उसको, उसको आप डेमो नहीं दिखा सकते उस सर्विस का कि हाँ भाई ये सर्विस है हमारी, ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे ले लो। उसको बस आप समझा सकते हो, कंज्यूमर के माइंड में डाल सकते हो, उसको दिखा नहीं सकते आप करके। ऑलराइट, तो सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हो गया हमारा, सेल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। कि सर्विस की सेल मतलब आप किसी कंज्यूमर को बेच रहे हो, उसका प्रोडक्शन आप सर्विस को दे रहे हो, और उसका कंजम्पशन कंज्यूमर उसको ले रहा है,
वो सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे मैं अभी आप सर्विस दे रहा हूँ, आप कंज्यूमर हो, आप वो सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो साइड बाय साइड, ऑलराइट, तो वो एक साथ प्रोसेस हो रही है, वो बाद में नहीं हो सकती है प्रोसेस, वो एक साथ प्रोसेस हो रही है। मान लो किसी आप बार्बर के पास जा रहे हो, अगर वो आपको सर्विस दे रहा है तो वो एक साथ हो रही है। ये नहीं है कि भाई बाल काट दे मैं बाद में कटवा लूँगा बाल, वो अभी काट रहा है तो आपको अभी कटवाने हैं बाल, समझ रहे हो। अगर वो अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको अभी कंज्यूम करनी है वो सर्विस, वो आप बाद में कंज्यूम नहीं कर सकते। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड हो गया यहाँ पे, अ सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, कि वो सर्विस को आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हो। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई एक डिमांड फोरकास्टिंग चीज़ होती है ना, कि हाँ भाई हमारे फ्यूचर में ना इतनी डिमांड आने वाली है तो थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है सर्विस के केस में। अगर आपको फ्यूचर में डिमांड आ रही है तो आपको ही देनी है वो सर्विस, आप उसको स्टोर करके बाद में नहीं दे सकते उस चीज़ को, ऑलराइट। तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। फोर्थ पॉइंट हो गया यहाँ पे, सर्विस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड थ्रू पेटेंट्स। अब आप मानो कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं इस चीज़ को पेटेंट कर लूँ, कि हाँ भाई मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज को पेटेंट नहीं कर सकते हैं, पेटेंट प्रोडक्ट को कर सकते हैं, कि हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरे जैसा ये प्रोडक्ट कोई नहीं बेच सकता, तो वो चीज़ पेटेंट हो सकती है, लेकिन सर्विसेज पेटेंट नहीं हो सकती है। तो फोर्थ तो ये हो गया। फिफ्थ आ जाता है, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ, अगर कोई बाल काटने वाला सर्विस प्रोवाइडर है, तो उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते उस सर्विस को, वो सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर ही देगा। अगर वो बार्बर सर्विस प्रोवाइडर है तो बार्बर ही आपके बाल काट सकता है, उस चीज़ को आप उस बार्बर से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया पांचवा। अब लास्ट होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज मे फेस प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अभी भाई मान लो मैंने मतलब अपनी सर्विस का किसी को फ्रेंचाइजी दे दी, कि हाँ भाई मेरे ब्रांड नेम पे आप अपनी सर्विस बेच दो, मतलब आप भी सेम चीज़ करो, ठीक है। तो भाई मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस में मतलब थोड़े से इशू हो सकते हैं, कि मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज घट सकती हैं, क्योंकि मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि हाँ भाई मेरा बिजनेस है, मेरा ब्रांड है, तो मैं अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी फ्रेंचाइजी है, क्या पता वो बेकार सर्विस प्रोवाइड करें। अगर वो बेकार सर्विस प्रोवाइड करेंगी तभी भी मेरा ही नाम खराब होगा ना। जैसे नेस्ले है, नेस्ले अपनी फ्रेंचाइजी दे देता है, ठीक है, तो नेस्ले पे आप जाके कुछ भी खरीदते हो तो नेस्ले का ब्रांड खराब होगा अगर वो गलत सर्विस दे रहा है तो, ठीक है, मतलब आपका ब्रांड, मतलब उस बंदे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसने तो फ्रेंचाइजी ले रखी है नेस्ले से, लेकिन नेस्ले का जो ब्रांड है उसका नाम खराब होगा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे क्वेश्चंस होंगे। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस किया 7 P's क्या होते हैं सर्विस मार्केटिंग के, 4 जो बेसिक P's होते हैं और जो 3 जो एडिशनल ऐड होते हैं वो, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे सर्विस डिलीवरी करने में या सर्विस मार्केटिंग करने में क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो डिस्कस किया। अगर अभी भी कोई डाउट है भाई, सुन रहे हो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे भाई कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई नहीं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, किसी चीज़ में भी, किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, ऑलराइट। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार रीज़न तो लिख दिया करो, कम से कम नीचे कमेंट सेक्शन में जाके रीज़न लिख देना। और अगर लाइक कर रहे हो, मतलब खुश हो मेरी वीडियो से, तो नीचे भाई सब्सक्राइब बटन होता है, आपको पता है, सब्सक्राइब कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन मत दबाना, आपकी मर्ज़ी है, दबा दोगे तो और ये अच्छी बात है, फ्यूचर अपडेट्स आते रहेंगे, नहीं दबाओगे तो भी कोई बात नहीं, मतलब मेरे को एक मोटिवेशन आ जाएगी, हाँ भाई मेरे व्यूअर जो है मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे को पसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।